हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुधा। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी। स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये रेसिपी मेरी माँ की है, मैंने उन्हीं से ये सीखी थी। तो आज मैं बनाने वाली हूं सौंठ के लड्डू। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से सौंठ के लड्डू खाने में टेस्टी और हेल्दी होने के साथ साथ ये आपको सर्दी से भी बचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 50 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम बादाम और 50 ग्राम काजू लिए हैं। 35 ग्राम मैंने सूखा नारियल लिया है। 10 पीस मैंने छुहारे के लिए है, ये 70 ग्राम है। और 50 ग्राम गोंद लिया है, ये एक तिहाई बाउल है। और 110 ग्राम मैंने देसी घी लिया है, ये पौन बाउल है। 50 ग्राम मैंने सौंठ पाउडर लिया है, ये पौन बाउल है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। और साथ में हमें चाहिए एक बाउल मखाने, ये 20 ग्राम है। 25 ग्राम मैंने खसखस यानी पोस्ता दाना लिया है। 10 ग्राम हल्दी, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पीपरा मूल ली है, जिसे हमारे यहाँ मूल भी कहा जाता है। ये बहुत ही गर्म होती है और काफ़ी ताकतवर होती है। ये हमें सर्दी जुकाम खांसी से बचाती है। इसका जो टेस्ट है वो कड़वा होता है। ये एक प्रकार की जड़ी बूटी है। ये आपको इजीली किराना शॉप पे मिल जाएगी। जब भी आप न्यू मॉम्स यानी प्रसूता के लिए लड्डू या हरीरा बनाएं तो आप ये जड़ी बूटी उसमें जरूर डालें। और 320 ग्राम मैंने गुड़ लिया है, जिसे हम बारीक तोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि इस सौंठ पाउडर को हम बड़े से बाउल में डाल लेंगे। अब हम इसमें डाल लेंगे फ्रेंड्स हल्दी। आप चाहे तो हल्दी जो है थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच ये हल्दी ली है, इसे हम हल्का सा मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो पहले हम इसमें हाफ बाउल पानी डाल देंगे और इसी प्रकार से हम मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। तो 1/4 बाउल पानी हमारा बच गया है, 3/4 यानी पौन बाउल पानी लगा है। 150 ml के लमसम इसमें पानी लगा है। तो हमें इसका एक इस प्रकार का गाढ़ा पेस्ट बनाना है। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे। कढ़ाई मैंने रख दी, हम इसमें 1.5 बड़े चम्मच पोस्ता दाना डालेंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो इसे रोस्ट करते हुए हमें 2 मिनट हो गए, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। इसी में हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन। कढ़ाई अभी गर्म है तो फ्लेम को हम यहाँ लो रखेंगे और इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो ये अजवाइन भी हमारी रोस्ट हो गई, तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो कढ़ाई मैंने रख दिया, अब इसमें हम डाल देंगे देसी घी। तो जितना मैंने घी लिया था उसका हाफ घी मैंने इसमें डाला है और इसे अच्छे से हीट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा गूंद डालकर फ्राई कर लेंगे। गूंद कभी आप एक साथ डालकर ना फ्राई करें, बस थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छे से फूल जाता है। तो जब भी आप गूंद को फ्राई करें उसके पहले आप उसे धूप में ज़रूर सुखा लीजिए। इससे क्या होता है गूंद बहुत ही अच्छे से फूलता है। तो मुझे 1 मिनट लगा इसे पकाने में, तो अच्छे से फ्राई हो गया। तो मैंने इसे निकाल लिया है और ये लास्ट में बचा हुआ गोंद भी हम फ्राई कर लेंगे। तो जब भी आप गोंद खरीदें छोटे साइज़ का ही खरीदें, क्योंकि छोटे साइज़ का गोंद अच्छा माना जाता। तो फ्रेंड्स ये गोंद हमारा फ्राई हो गया, तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो ये घी जो है मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा सा हम घी निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये आधा बड़ा चम्मच घी हमारा है, तो इसी में हम बादाम और काजू को भी फ्राई कर लेंगे। तो फ्लेम को यहाँ पे हम बिल्कुल लो रखेंगे, लो फ्लेम पर हमें इन्हें फ्राई करना है। तो ये काजू बादाम हमारे हल्के से फ्राई हो गए हैं, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो ये जो थोड़ा सा घी बचा है इसी में हम ये मखाने फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो घी थोड़ा सा और डाल सकते हैं। तो मखानों को हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो 2 से 2.5 मिनट मैंने इन्हें फ्राई किया है। ये ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल डाल देंगे, इसे हमें कुछ सेकेंड ही फ्राई करना है। तो मैंने इसे 1/2 मिनट फ्राई कर लिया है, ये देखिए। चलिए अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो इसी कढ़ाई में ये बचा हुआ सारा घी हम डाल देंगे और इसे अच्छे से हम हीट कर लेंगे। अब हम इसमें ये पेस्ट डाल देंगे। आप चाहें तो घी की जगह यहाँ पे सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब प्रसूता के लिए लड्डू या हरीरा बनाया जाता है तो ये जो सौंठ है उसे मस्टर्ड ऑयल में ही भुना जाता है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल जो है काफ़ी गर्म होता है और प्रसूता के लिए काफ़ी फायदेमंद भी। तो मैंने मीडियम फ्लेम पर इसे 2 मिनट भून लिया है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। इसे भूनते हुए हमें 12 से 15 मिनट हो गए, लेकिन इसे अभी हमें और भूनना है। अब इसे भूनते हुए हमें 20 से 22 मिनट हो गए हैं। ये देखिए सौंठ जो हमारी भून कर तैयार है, इसने घी भी छोड़ दिया और एकदम बिखर भी गई। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। सौंठ आपकी जितनी अच्छी भुनेगी लड्डू आपके उतने ही टेस्टी बनेंगे। तो फ्रेंड्स पीपरा मूल को मैंने इसमें डालकर कूट कर उसका पाउडर बना लिया है, ये है खसखस। तो इसे हम क्या करेंगे हल्का सा क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडिंग जार में भी इसे क्रश कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा तैयार है। और यहाँ पे मैंने ये छुहारे लिए थे जिसके बीज निकाल लिए हैं। तो बीज जो है आप इसे तोड़कर या काटकर भी निकाल सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स छुहारे भी हमारे तैयार हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं इन्हें हम किसी भी वजनदार चीज़ से इस प्रकार से क्रश कर लेंगे। बहुत बारीक नहीं करना है, हमें थोड़ा सा मोटा रखना है। तो अगर ज़्यादा मात्रा में आप ये लड्डू बना रहे हैं तो आप इसे इमाम दस्ते में भी क्रश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मखाने जो हमारे बहुत ही ईजिली बहुत ही जल्दी से एकदम क्रश हो गए।
तो इसी प्रकार से हम ये जो गोंद है इसे भी हल्का सा क्रश कर लेंगे। थोड़े पीस खड़े रहेंगे, थोड़े से ही हमें क्रश करने, तो ये गोंद भी हमारा क्रश हो गया है। तो फ्रेंड्स अब हम काजू और बादाम को इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर क्रश कर लेंगे। बहुत बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा हमें इसे मोटा ही रखना है। तो ये देखिए इस प्रकार से हमें ये क्रश करना है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने क्रश कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स ये ड्राई फ्रूट्स जो है हमारे तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसमें मिला देते हैं ये क्रश किए हुए छुआरे, क्रश किए हुए खसखस और आधा छोटा चम्मच हम इसमें पीपला मूल जो मैंने पाउडर बनाया था उसे डाल देंगे। आप चाहें तो इसे सौंठ के साथ भून सकते हैं। ये हमारी अजवाइन है, तो इसे हथेलियों की मदद से इस प्रकार से क्रश करके डालेंगे। ये देखिए, और इसमें डालेंगे ये किशमिश और ये भुनी हुई सौंठ भी हम इसी में डाल देंगे। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे फिर बता दूँ कि जितनी अच्छी आपकी ये सौंठ भुनी होगी लड्डू आपके उतने ही टेस्टी बनेंगे। तो अब हम इसे इस प्रकार से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की है कि ये रेसिपी मैं आपको अच्छे से बता सकूँ। तो ये मिक्सचर हमारा तैयार है। मैं इसे एक बाउल से आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। बाउल को मैंने यहाँ अच्छे से एकदम प्रेस करके भरा है। आप इस प्रकार से भी आइडिया ले सकते हैं कि आपको इसमें कितना गुड़ डालना है। तो ये टोटल 4 बाउल हमारा मिक्सचर है। तो चलिए अब हम इसके लिए पाक बनाकर तैयार करेंगे। कढ़ाई मैंने रख दी है, अब इसमें डालेंगे गुड़। तो हो सके गुड़ को आप बारीक तोड़कर ही डालें। तो 2 बाउल गुड़ डाला है, थोड़ा सा और है, लेकिन आप इसमें 2 बाउल टूटा हुआ गुड़ डाल सकते हैं। 1/4 बाउल हम इसमें पानी डाल देंगे, ये 50 ml है। फ्लेम को यहाँ हम मीडियम कर देंगे, इस प्रकार इसे चलाएंगे। तो इसे चलाते हुए हमें 2 मिनट हो गए, अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए गुड़ अभी पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुआ है, फ्लेम को यहाँ मैंने बिल्कुल लो रखा है। तो इसे अभी हमें थोड़ा और पकाना है। तो गुड़ इसका अच्छी तरह से मेल्ट हो गया, ये पाक भी बहुत ही अच्छे से उबलना है। हमें इसमें किसी भी प्रकार का कोई तार नहीं चेक करना होता है। तो बस जब गुड़ इसका मेल्ट हो जाए, ये अच्छे से उबलने लगे, समझिए आपका ये पाक तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसके बाद हम इसमें 1/2 ड्राई फ्रूट्स ये डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। तो मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इसके बाद ये बचे हुए ड्राई फ्रूट्स भी हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस विंटर सीजन में आप ये लड्डू जो है एक बार जरूर बनाइएगा और अपने अनुभव हमसे शेयर कीजिए। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ये बताना बिल्कुल ना भूलें। आप इन लड्डुओं को दिन या रात में किसी भी समय 1 गिलास दूध के साथ 1 या 2 लड्डू खा सकते हैं। तो चलिए अब हम लड्डू बनाते हैं। तो थोड़ा सा मिक्सर लेंगे, ये मिक्सर जो है हमारा ठंडा हो चुका है। तो हल्के हाथों से इसे हम पहले प्रेस करेंगे, फिर इसके बाद हम धीरे धीरे इसे गोल कर देंगे। तो लड्डू का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए। मीडियम साइज के 29 लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। ये वेट में 800 ग्राम है। तो चलिए मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ। ये अभी आपको थोड़े से सॉफ्ट दिख रहे हैं, लेकिन बाद में ये थोड़े से टाइट हो जाते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।